उज्जैन जिले में इस समय गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है और पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष गेहूं की फसल का कम उत्पादन हुआ है। गेहूं का रकबा ज्यादा है और उज्जैन जिले के अंदर जहां अपने अपने खेतों में किसान गेहूं की फसल बोते हैं, पर उत्पादन इस वर्ष कम हुआ है और गेहूं की फसल का अब किसान अपने गेहूं की फसल बेचने के लिए गेहूं खरीदी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपनी फसल बेच रहे हैं, जहाँ गेहूं खरीदी केंद्रों पर इस समय बड़ी संख्या में किसानों को देखा जा सकता है अपनी गेहूं की फसल को बेचते हुए। गेहूं खरीदी केंद्र क्या नाम से जाना जाता है, क्या व्यवस्था है और किस प्रकार से क्या है? यह बनने का भाव प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से है केंद्र, और यहाँ पे टोटल व्यवस्था है जो सरकार के गाइडलाइन के द्वारा की गई है। कोरोना काल में जो गाइडलाइन चल रही है उसका भी पालन कर रहे हैं और साथ में किसानों को भी मैसेज प्रॉपरली भेजे जा रहे हैं और यहाँ पे जो किसान आ रहे हैं सब संतुष्ट हैं। और यह जो केंद्र खरीदी केंद्र बना है, ये नया केंद्र बना है यहाँ पे। अच्छा, किस प्रकार से किसानों को मैसेज किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो आएँ और अपनी फसल को बेचें और क्या है? किसानों को मैसेज भेजे भी जा रहे हैं और उनको कॉल करके बताया जा रहा है और एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जहाँ पर छोटे किसान और बड़े किसान दोनों को सम्मिलित करके एक अच्छा अनुपात बना दिया गया है ताकि ऐसा ना हो कि भीड़ बढ़ती जाए उसके बाद में। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।